अगर ये पंजाब के लिए कुछ चाहते हैं तो इनको चाहिए कि जो सेंटर में है उसकी ही हेल्प करनी चाहिए, तभी यहाँ पर कुछ होगा। ये तो खा जाएंगे बाकी जो बैठे हैं। भाजपा का जोर पूरा चल रहा है, सीटें आज की ज्यादा भाजपा ले जाएगी। नमस्कार एंड वेलकम टू नो द नेशन। टीम नो द नेशन आई हुई है पटियाला पंजाब आपके लिए लाने इलेक्शन का वाइब चेक विद दिव्या। तो आइए पटियाला की जनता से जानते हैं कि क्या है उनके मन में। चलिए मेरे साथ। आप अभी पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं पटियाला में, आपको क्या लगता है इस बार पटियाला की जनता किसे चुनने वाली है? बीजेपी। अच्छा, इसका क्या कारण है? ये तो अपनी अपनी हो। तो बीजेपी को वोट देने का कारण क्या है कि आपको लगता है 10 साल में अच्छा काम हुआ है? मोदी सरकार चाहते हैं सेंटर में। अच्छा, 10 साल में अच्छा काम? हाँ जी हाँ जी, 10 साल मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि इसी हूँ भी चाहते हैं कि सेंटर मोदी सरकार ही हो, बीजेपी सरकार। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी। तो हम पटियाला की जनता से जानना चाह रहे हैं कि क्या है पटियाला के मन में, किसे वो चुनना चाहती हैं अपनी सरकार? मोदी। इसका कारण? अच्छा बंदा ही, देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ही रहे तीसरी बार? बिल्कुल बिल्कुल जी, मोदी। बट पंजाब में आपको लगता है बीजेपी की सीटें आएंगी? अगर ये चेंज चाहते हैं, पंजाब के लिए कुछ चाहते हैं तो इनको चाहिए कि जो सेंटर में है उसकी ही हेल्प करनी चाहिए, तभी यहाँ पर कुछ होगा। ये तो खा जाएंगे साले बाकी जो बैठे हैं। तो पहले की जो सरकारें रही हैं जी, जब 10 साल पहले कुछ टाइम तक कांग्रेस भी थी और केंद्र में भी थी, तब पंजाब में कुछ किया गया क्या? अच्छा करते थे जी वो भी, पर अपना पेट ज़्यादा भरते थे, दूसरों का कम सोचते थे वो। अभी जो मोदी आया बेचारा, ये सबका सोच रहा है, अगर मोदी आएगा तो ये अच्छे काम होंगे, यहाँ पर मोदी ही आना चाहिए। इस बार पटियाला में क्या लग रहा है, किसकी लहर है पटियाला में? इस बार लग रहा है थोड़ा बीजेपी के पॉजिटिव वे में जा रहा है कि उसने थोड़े से काम किए हैं, राम मंदिर वगैरह किया है, बाकी धारा वगैरह भी उसने हटाई है, तो इस बार 80% चांसेस हैं कि बीजेपी की तरफ लग रहा है कुछ, तो इसका जोर शोर लग रहा है मार्केट में। तो देखते हैं अभी रिजल्ट आएगा, कैसे वोट्स डालते हैं लोग, तो उससे पता चलेगा हमें। तो एक बार उनको दोबारा देखना चाहते हैं भी, और क्या पॉजिटिविटी लाके इस दुनिया में या इंडिया में क्या कर सकते हैं अच्छा। और पंजाब में क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ पाएंगी पंजाब में? ऐसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट यहाँ पे जैसे हमारे नियर बाय हमने कुछ डिस्कशंस की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को 60-70% का लग रहा है कि पॉजिटिव। हाँ जी, बीजेपी की तरफ। किसकी सरकार? बीजेपी। अच्छा, इसका क्या कारण है? नहीं, वो देश के लिए कर रहे हैं। अच्छा। देश के लिए कर रहे हैं, हमें अपने लिए नहीं चाहिए, जहाँ देश सुख होगा तो हम भी सुखी। तो पिछले 10 साल में जो उन्होंने किया है सेंटर गवर्नमेंट ने, और बाकी शहरों के लिए भी किया है, डबल इंजन सरकार जहाँ रही है उन स्टेट्स के लिए किया है, आपको लगता है पंजाब कहीं पीछे रह गया? पंजाब बिल्कुल पीछे रह गया। इस बार जनता ने जो सहयोग देने का सोचा है आपके हिसाब से, इसका क्या कारण है? कारण ये कि हिंदू को सुख शांति मिलेगी, ये हिंदू के हक में है, मोदी जी हिंदू सुरक्षित है। तो पंजाब का जो माहौल रहा है हमेशा की या तो कांग्रेस आती है, और अब कुछ दिनों से आप आ गई है, ये माहौल में कोई परिवर्तन है? आप भी ऐसी थी, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। गुंडागर्दी बढ़ी है, जीना झपटी बढ़ी है, चोरियाँ चकारियाँ बढ़ी हैं, मेरी 2 बार चोरी हो चुकी है इस दुकान पे, आज तक कोई सुनाई नहीं हुई, FIR पक्की पड़ी है मेरे पास, देखो ना कहाँ प्रशासन कहाँ है। तो पंजाब की जनता ने बदली सरकार, कांग्रेस को छोड़ के आपको चुना, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव नहीं है? उनको मौका जरूर दिया गया, दे के पछता रहे, अब 5 साल के लिए तो फंस गए, 2 साल निकल गए, तभी जनता इस टाइम 50% बीजेपी की तरफ जा रही है। और आपको क्या लगता है कि ये वाला जो झुकाव है इसका कारण क्या है, बीजेपी का नेतृत्व है कारण या कुछ और? बीजेपी का नेतृत्व है, बीजेपी ही कर रही है, देश के लिए कर रही है, गरीबों के लिए भी कर रही है, मुझे जरूरत नहीं तो मैं क्यों मांगूंगा, जिनको चाहिए उनको दे रही है, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, यानी कि नहीं मिल रही। हम कहते हैं कानून जो है सुख शांति रहे, आप रात के 12 बजे घूम रहे तो आपको कोई दिक्कत ना आए, जैसे योगी ने UP को सुधार दिया, अगर यहाँ आएंगे ना तब पंजाब का पता लगेगा बीजेपी क्या करती है। तो पटियाला में क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली? सरकार इस टाइम आएगी भाजपा की। इसका क्या कारण है? आज का माहौल जो चल रहा है ना भाजपा का, इसलिए ठीक चल रहा है। भाजपा के प्रति झुकाव होने का कोई कारण होगा, क्या है कारण? मोदी सरकार को इसका ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, तो पटियाला में इस बार भाजपा आएगी? भाजपा आएगी। और पंजाब में क्या लगता है? पंजाब में मेरी गांव से इस टाइम झाड़ू वाला कुछ नहीं कर रहा, इसलिए लोग पीछे हट गए झाड़ू के लिए, अकाली दल वैसी हो गए, इसके भाजपा आगे है। तो झाड़ू वाले ने वादे किए थे, जो वादे पूरे कुछ नहीं पूरे किए, कहने का मतलब वो वादे कर देते हैं बट उनके वो जीतने के लिए, बट उनके पास कोई प्लान नहीं होता। प्लान नहीं है उसके पास। हाँ, उसके बाद कोई प्लान नहीं है, पंजाब को इतना पैसा नहीं है जो दे सके, इस टाइम बहुत कर्जा हुआ है पंजाब, भाजपा का जोर पूरा चल रहा है, बाकी देखो
क्या होता है, सीटें आज की ज्यादा भाजपा ले जाएगी पंजाब में, जो लेती थी ना एक दो लेती थी अब ज्यादा लेगी। कांग्रेस जो पहले थी उन्होंने सिस्टम बिगाड़ा हुआ, उन्होंने सिस्टम बिगाड़ा हुआ है, जो अकाली दल होया, जो तुम्हारा कांग्रेस हुआ, उन्होंने इतना 70 साल में बिगाड़ दिया। इसको सुधार करने के लिए साल लगेंगे बहुत। गठबंधन में और कोई नेता नहीं है? नहीं, नेता कोई नहीं है, कोई नेता बनने के लायक नहीं। उन्होंने आने के बाद करतारपुर साहिब का जो डोर खुलवाया है, कॉरिडोर खुलवाया है, तो इस बात पे काफी सिख भी खुश हुए हैं, तो आपका इस पर क्या? उसका तो उसके लिए उसका थैंक यू है, उसने अच्छा करा है, ये नहीं कहते हम उसे माड़ा करा, जो भी करा अच्छा करा है। तो कुछ मामला तो सॉल्व हुआ है? कुछ मामला तो सॉल्व हुआ है, जेकर ऐसे सारे करे हैं तो फिर तो सारे आदमी पंजाब के भी सपोर्ट करेंगे, इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है आपको पटियाला में इस बार किसकी सरकार आपको लगता है आएगी? मेरे को तो लगता है कमल का फूल ही खिलेगा जी। अच्छा, कमल का फूल अगर पटियाला में खिलेगा इस बार तो उसका कारण क्या है? मोदी जी। क्यों? उन्होंने अच्छा काम किया, इसीलिए देश में प्रधानमंत्री सिर्फ इस समय पूरे देश में एक ही लहर चल रही है, वो है सिर्फ मोदी जी। पटियाला से भी बीजेपी की 101% आएगी मैम। इस बार बढ़ेंगी सीटें? डेफिनेटली बढ़ेंगी मैम, क्योंकि पहली बार ये अपने दम पे लड़ रहे हैं। आगे तो ये बैसाखी सर चलते थे, पता ही चलता था, इस बार प्रॉपर पता चलेगा बीजेपी क्या स्ट्रेंथ है पंजाब में, और लोगों को पता चलेगा कि क्या चीज है बीजेपी। क्या ये कारण है कि वो अपने दम पे लड़ रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं कि सपोर्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल, पहले हमारे भी कई दोस्त थे जो पूरे हिंदू कम्युनिज्म डील करते थे, वो कहते हैं इसलिए वोट डालते हैं अकालियों के साथ हैं ये, इस बार फुल फ्लैश वोट पड़ेगा बीजेपी को। तो ये चेंज लग रहा है? बिल्कुल। और मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है उससे पंजाब की जनता खुश है? बिल्कुल खुश है मैम, 101% खुश है। बाकी जो नहीं खुश हो सकते वो कभी भी खुश नहीं हो सकते, वो तो जो अभी भी खुश नहीं है वो कभी खुश हो ही नहीं सकते। वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो इंडी गठबंधन में साथ में है दिल्ली में, पंजाब में आमने सामने, बेकार पार्टी, दोनों चोर 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 मसेरे भाई। ये जो मसेरे भाई हैं ये दिल्ली में साथ में यहाँ पे आमने सामने, यही तो लोगों को समझना चाहिए ना, यही तो लोगों को पता नहीं चल रहा है, ये वहाँ पे तो एक दूसरे जुतन जुत्ती हो रहे हैं, यहाँ पे तो वहाँ पे प्यार दिखा रहे हैं अपना, गलत है ना ये। अब केजरीवाल को चिंता क्या लग रही है कि दो को मैं अंदर हो जाऊंगा, वो सिर्फ अपने को बचाने में लगा हुआ है, कभी कोई ना कोई ग्राउंड तैयार कर रहा है वो, जबकि बचेगा नहीं। अब आज तो कोर्ट ने मना कर दिया, वो गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई कर नहीं सकता कोर्ट, पहले ही पता नहीं कैसे कर दिया कोर्ट ने, चलो वो उनकी कुछ कह नहीं सकते, कमेंट नहीं कर सकते, बट अब नहीं हो सकता ये। तो आप और कांग्रेस दोनों साफ? मेरे हिसाब से तो साफ है जी, बाकी जनता का मूड है, अभी अगर अभी जनता उनको रखती है तो फिर क्या कर सकते हैं। की सरकार पटियाला में? हमें तो मोदी सरकार लगती है जी, बीजेपी की आना तय लग रहा है, बाकी देखो 1 जून को। तो इसका कारण क्या है कि आपको लग रहा है बीजेपी की ही आएगी यहाँ? कोई और क्षेत्रीय पार्टी है ही नहीं है जो काम कर सके, मोदी कम से कम देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के लिए काम तो कर रहे हैं ना, दूसरी पार्टियों के पास ना तो इतना कोई बहुमत है ना उनको कोई पूछता है, बीजेपी में से को निकल के कोई क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि उनका नेतृत्व अच्छा है, वो देश को संभाल रहे हैं, देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसीलिए भारतवासी चाहता है कि उनको कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला मिले ताकि देश का भला हो सके। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना? नहीं कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ वादे ही वादे हैं, देने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 साल में हमें तो पटियाला में कुछ दिखता नहीं, उन्होंने कुछ किया हो, कोई सड़क बनवाई हो, कोई पुल पक्का बनवाया हो, कोई लाइट का काम किया हो, कोई कारपोरेशन के इलेक्शन करवा के कोई काम किया हो, कुछ भी नहीं, हर वर्ग दुखी है, सिर्फ एक बिजली फ्री दे के बाकी पब्लिक का कचूमर निकाल दिया उन्होंने, और कुछ नहीं किया। तो नहीं खुश है पंजाब आम आदमी? कैसे खुश होएगा, उनका भी आप भी 10 मिनट यहाँ खड़े होकर देख लो कि अब 2 मिनट में लाइट कट हो जाएगी, फिर आएगी फिर आएगी, फिर ऐसा थोड़ा ना चलेगा कि हमें कि बिजली फ्री दे रहे हो, लाइट बार बार कट रही है। मैम बार बार कट ही रही है मैम, क्या कह रहे हैं? जब लाइट हमारे पास आई आई कम रही है तो फ्री का क्या फायदा, इससे अच्छा पैसे लेके कम से कम पूरी लाइट तो दो ना, पैसे ले लो आप ना फ्री दो। तो आप लोग क्या लगता है युवा के वोट्स, यूथ के जो वोट्स हैं वो बीजेपी के साथ हैं? हाँ मैम बीजेपी के साथ है, हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हमारे मोदी जी हमारे साथ, तो हमें किसी की और जरूरत नहीं है, हम उनको ही डालेंगे वोट। और प्रधानमंत्री तीसरी बार भी वही बने? हाँ जी हाँ मैम, तीसरी बार क्या 400 बार भी वही बनेंगे, हम उन्हें बनवाने ही उनको ही है। क्या कह रहे थे? जो देश का अच्छा नेतृत्व कर रहा है उसको तो आगे लाना ही चाहिए ना, अगर किसी मतलब के ऐसे आदमी को आगे ले आएंगे जो देश को आगे चला ही ना सके, उसका फायदा क्या? हमारा देश पहले पिछड़ा हुआ है और पिछड़ जाएगा, कम से कम मोदी आज हमारी इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं, 5वें नंबर पे आ गया हमारा देश वार्ड में, हो सकता है अगर मोदी आने से 5 साल और करें दूसरे तीसरे नंबर पे भी आ सकता है हमारा देश, इसलिए हम तो चाहेंगे कि हर शख्स से कहेंगे कि कृपा मोदी को ही वोट डालें। तो ये हुई पटियाला की बात, पंजाब में क्या लग रहा है किसकी सरकार?
पंजाब में भी मैम मोदी की आ सकती है। तो आपने देखा पटियाला से इलेक्शन का वाइट चेक विद दिव्या, आपको पता चला कि क्या माहौल है पटियाला में, इस बार जनता का झुकाव बीजेपी की तरफ है और ये क्यों है ये जनता ने आपसे बताया, बट आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ ऑन नो द नेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।